लर्नर्स, केवीएस पेडागॉजी में आपका एक टॉपिक है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE, जो कि आपको NEP 2020 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब कुछ आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे नाम है ECCE, कई बार तो डायरेक्टली इसका फुल फॉर्म ही पूछ सकता है कि ECCE क्या है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ECCE का फुल फॉर्म होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, हिंदी में पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। देखो ये कंप्लीट सेंटेंस में ही आपको बहुत सारी चीजों को पता चल गया होगा। वो क्या है कि जो पूर्व बाल्यावस्था जो बच्चे होते हैं उनको प्रॉपर केयर और प्रॉपर एजुकेशन की जरूरत होती है, यानी उन्हें देखभाल भी चाहिए और साथ ही साथ एक क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन भी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की। सबसे पहले ECCE की पहल किनके द्वारा हुई, यानी कि किनके द्वारा इनिशिएट किया गया, तो ये हुआ था आपका MWCD, याद रखिएगा MWCD, ये है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मीन्स महिला और बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ECCE जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसकी पहल किसके द्वारा हुई। चार ऑप्शन रह सकते हैं, HMRD या भी और भी चीजें हो सकती हैं, तो वहां पे आपको याद रखिएगा MWCD, महिला और बाल विकास मंत्रालय। क्लियर है। अब जब आया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE, तो बात होगी ना कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, चलो देखो। हम जानते हैं कि जो इंडिया में जैसे सर्वे हुआ तो वहां पता चला कि 85% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट अकर बिफोर एज ऑफ 6 ईयर्स। ऑब्वियस सी बात है, हम सभी जानते हैं कि 6 वर्ष से पहले 85% ब्रेन का विकास हो जाता है एक बच्चे में, क्योंकि उस टाइम उनका दिमाग बहुत ही एक्टिव होता है, वो बहुत ही क्यूरियस होता है और एकदम ही फ्रेश होता है, वो चीजों को बहुत जल्दी कैच करते हैं, है ना। उनका उनका जो ऑब्जर्वेशन पावर होता है वो बहुत ही क्लियर होता है, वो चीजों को जहां देखेंगे किसी को भी उसको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी चीजों का पता चला कि बच्चों का डेवलपमेंट तो हो जाता है, साथ ही साथ ये है कि सभी बच्चे महत्वपूर्ण है। देखो सब कुछ आपके वन लाइनर में, ये सारी बातें आपकी इस नीति में कही गई है, तो कोई भी पॉइंट को स्किप बिल्कुल नहीं करना। पहले यह बात हुई है 85% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट अकर बिफोर एज ऑफ 6 ईयर्स, 6 साल से पहले 85% ब्रेन डेवलपमेंट हो चुका होता है। फिर बात हुई कि सभी बच्चे महत्वपूर्ण है, ये एक नीति है, नीति मीन्स की एक पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और अब तक 3 आ चुकी है, एक 68 वाली, फिर उसका रिवर्स 1986 वाली, एंड देन 2020 में। ठीक है, तो इस पॉलिसी में कहना है कि जितने भी बच्चे इक्वली इंपॉर्टेंट और सबको बेसिक एजुकेशन हर हाल में देना जरूरी है। तो वहां बात हुई कि 0 से 8 ईयर, 0 मीन्स बर्थ, बर्थ से 8 साल तक की आयु के बच्चों को समग्र विकास के लिए दी जाने वाली देखभाल और सीखने के अवसर देना। यहाँ पे बात आया समग्र विकास, समग्र मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट, बच्चों के हर फील्ड में हर एस्पेक्ट में उनका डेवलपमेंट होना जरूरी है, चाहे वो शारीरिक हो, सामाजिक हो, नैतिक विकास हो, संज्ञानात्मक हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हर डेवलपमेंट हर फील्ड में बच्चों का डेवलपमेंट होना चाहिए और उनको प्रॉपर देखभाल केयर चाहिए, और साथ ही साथ सीखने के अवसर देना है। सीखने का अवसर मतलब उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देना है, क्योंकि बच्चे क्यूरियस होते हैं, उनमें अन्वेषण वाली बातें होती हैं, मतलब वो खोजना चाहते हैं चीज़ों को, खुद से करने एक्सप्लोर करना चाहते हैं चीज़ों को उस एज ग्रुप में, इसलिए ECCE की आवश्यकता पड़ी। क्लियर है। अब बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है, जो ECCE लाने का क्या उद्देश्य है उसको देखो। देखो यहाँ पे आपको आया 2030, सब कुछ आपका वन लाइनर में, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो 2030 से पहले सार्वभौमिक स्तर हुआ, यूनिवर्सल स्टेज यानी हर स्तर पे सार्वभौमिक, जो हर जगह एक्सेप्टेबल हो, मान्य हो, उस स्टेज पर 0 से 8 यानी बर्थ से 8 वर्ष के छोटे बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन देना, यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, जहां पे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्रोवाइड की जा सके, जो उनके फ्यूचर को डेवलपमेंट, उनके फ्यूचर को बिल्डअप करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो वैसी शिक्षा देना, और उसके साथ साथ बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, ऑलराउंड डेवलपमेंट करना। ठीक है, तो ये था इसका मेन मोटिव बोल लो, गोल्स बोल लो, ठीक है, चाहे एम बोल लो, उद्देश्य सब कुछ आ गया। अब जब ECCE आ ही गई तो अब उसकी विशेषता देख लो, किसका क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। देखो पहला है कि सेफ एनवायरनमेंट, यानी कि एक संरक्षित वातावरण में देखरेख, स्वास्थ्य, पोषण, खेलकूद और प्रारंभिक शिक्षा इसमें शामिल होती है।
अभी देखो एक एक वर्ड में आपका बहुत सारी चीजें आ रही है। नाम ही है आपका ECC, जहां पे बच्चों को केयर और एजुकेशन आ रहा है, तो केयर में तो सब कुछ आ गया ना। केयर में बच्चों का सिर्फ मानसिक केयर नहीं होता, फिजिकल केयर नहीं होता, उनके साथ अफेक्शन होना चाहिए, लव होना चाहिए, बच्चों को प्रॉपर मेंटेनेंस की जरूरत होती, उन्हें एक प्रॉपर एंड न्यूट्रिशन डाइट चाहिए, पोषण वाली जो होता है ना, पौष्टिक भोजन चाहिए, टाइम टू टाइम उन्हें हाइजीनिक चाहिए, मतलब हाइजीन चाहिए, ये सारी चीजों का मिश्रण होता है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि बच्चों को देखरेख चाहिए, उनका एक अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं हेल्थ इज वेल्थ। अच्छा स्वास्थ्य होगा तभी बच्चे आगे डेवलप कर पाएंगे, वो पढ़ाई कर पाएंगे, एक्टिव हो पाएंगे, उन्हें पोषण की जरूरत होती है, न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट चाहिए, एक खेलकूद चाहिए, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जहां बच्चे खेल कूद कर सके, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा सीखते हैं तो खेल कूद से, करके सीखने, खेल खेल में जल्दी सीख जाते हैं, तो उन्हें खेल कूद चाहिए। और साथ ही साथ उन्हें प्रारंभिक शिक्षा शामिल है, जो कि बेसिक एजुकेशन होती है। क्लियर है? नेक्स्ट, इसकी नेक्स्ट विशेषता क्या है कि बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलता है, बच्चों को इक्वल अवसर मिलता है, सभी बच्चे इक्वल होते हैं, सभी बच्चे, अच्छा सारे बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, मतलब अलग अलग सराउंडिंग से बिलोंग करते हैं, लेकिन सब स्कूल का मतलब ही क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ हर धर्म के, हर समुदाय, हर क्षेत्र विशेष के बच्चे एक जगह एक स्कूल में आके पढ़ते हैं, है ना, और शिक्षा ग्रहण करते हैं, एजुकेशन लेते हैं। तो ऐसे बच्चों को, अलग अलग बच्चों का, अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चों को समान अपॉर्चुनिटीज प्रदान करना, ये भी आपका ECCE का एक विशेषता है। फिर ऑब्वियस ही बात है, जब इतना होगा तो ये एक पावरफुल टूल है। ऐसे भी हम कहते हैं कि एजुकेशन बहुत बड़ा टूल है, बहुत बड़ा हथियार है, शिक्षा एक हथियार है ना, तो ये भी आपका एक पावरफुल टूल में आता है। नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे होगा, स्कॉलिस्टिक डेवलपमेंट, शैक्षिक गतिविधियाँ इसमें आती हैं, साथ ही साथ शैक्षिक गतिविधियाँ आती हैं जो कि हमारे करिकुलम का एक पार्ट होता है। बच्चे स्कूल में गए या आंगनबाड़ी में गए या जो भी चीज़ों में जाते हैं जहाँ पे उन्हें शिक्षा और देखभाल दोनों चीज़ें मिलती हैं, तो ऑब्वियस ही बात है उनका डेवलपमेंट होगा। लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट होगा, मतलब उनके भाषा का विकास होगा, है ना, वहाँ पे कई अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग जगह के, संस्कृति के बच्चे होंगे, तो उनके भाषा का भी तो आदान प्रदान होगा, वो उनकी भाषा सीखेंगे, वो हमारी भाषा सीखेंगे, तो इस तरह से बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट पनीस, बच्चों का समाजीकरण होता है, समाजीकरण का सोशलाइजेशन होता है बच्चों का। ऑब्वियस सी बात है, जब बच्चे घर से निकलते हैं तो समाज में सबसे पहले वो स्कूल ही तो जाएंगे, तो स्कूल जाते हैं तो बच्चे का समाजीकरण होता है, उनका जो वो जो सोशल पावर है वो बिल्डअप होता है। क्लियर है? और साथ ही साथ हम जानते हैं जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उस एज ग्रुप के, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं, ये कैसे हुआ, ये क्या है, वो क्यों है, तो इससे जितना ज़्यादा हम उनको एक्सप्लोर करने का मौका दें, जितना ज़्यादा हम उनको अवसर देंगे, उतना ज़्यादा ही वो चीज़ों को ग्रैस्प करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज, खेल पद्धतियों से बच्चों का विकास होना, ये भी इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। खेल पद्धति मतलब कि वही बात हो गई कि सीखने के अवसर दीजिए उनको, खेल के द्वारा, खेल के माध्यम से चीज़ों को सिखाइए, तो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, और उनको सीखने के अवसर देना। यहाँ तक क्लियर हो गई? अब देखो इससे जुड़ी कुछ और बातें। देखो इसमें आपका ये था ना ECCE, तो पहला जो ECE है ये आपका हो गया अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्लियर है? इसमें आपका तीन पॉइंट है। पहला है आपका अर्ली इंसेंटिव, जो कि आपका 0 से 3 साल होता है, यानी बर्थ से लेकर 3 साल होता है। क्लियर है? फिर आपका ECE क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जो कि आपका 3 से 6 साल होता है। तो बच्चे जब निकल 3 साल से ऊपर होते हैं तो बच्चे कहाँ जाते हैं, किंडरगार्टन में, वहाँ पढ़ने जाते हैं, या फिर कोई प्ले स्कूल में जाते हैं, आंगनबाड़ी में जाते हैं, और साथ ही साथ कोई बाल वाटिका में जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, बच्चों के इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये सारी चीज़ें। जैसे यहाँ पे बाल वाटिका, बाल वाटिका का मतलब ही होता है बाल, मीन्स बच्चा, और वाटिका जो उनके लिए पूरा एक अवसर प्रदान करता है, उनको डेवलप करने का एक पूरी पूरी तरह से मौका देता है, जहाँ बच्चे एकदम फ्री माइंड से बस खेलते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि बड़े बड़े पहाड़ों को याद करना या बड़ी बड़ी चीज़ों को, उनका बस मेन मोटिव होता है कि बस खेल खेल में चीज़ों को सीख जाना, क्योंकि उस टाइम का जो फ्रेश माइंड होता है उनको बहुत दूर तक ले जाएगा। ऑब्वियस ही बात है वो एज ही एक ऐसा होता है जहाँ पे अगर उन्होंने अच्छी चीज़ें सीख ली तो हमेशा के लिए याद रहेगा, और बुरी चीज़ों का अडॉप्ट किया तो ऑब्वियस ही बात है वो कहीं ना कहीं बिखर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आपका थर्ड पॉइंट होता है ECE, जो कि होता है आपका अर्ली प्राइमरी एजुकेशन। क्लियर है? जो कि 6 से 8 साल तक के बच्चों के लिए होता है। ये हो गया आपका ECE। नेक्स्ट सी जो है वो आपका केयर है। देखो केयर मीन्स क्या होता है, देखभाल। देखभाल में सिर्फ आपका क्या आएगा, यहाँ पे बच्चों को शुद्ध पौष्टिक खाना भी देना चाहिए, स्वच्छ एवं जोखिम रहित वातावरण देना चाहिए, यानी एकदम फ्री, टेंशन फ्री, जिसको बोलते हैं ना केयर फ्री लाइफ,
जो अभी हम लोग सब कुछ चाहते हैं कि काश हम लोग वापस से उसी स्टेज में आ जाए, है ना, हम सब की चाहते हैं आज के टाइम में। तो उस एज में बच्चों को क्या चाहिए, साथ ही साथ प्यार चाहिए बड़ों का, आसपास का, उनके भाई बहन से, उनके नाना नानी, उनके फैमिली मेम्बर से, सबका। फ्रेंड्स बनाते हैं तो फ्रेंड्स, समाज में बेसिकली उन्हें क्या चाहिए, प्यार, आदर, उन्हें भी तो आदर की ज़रूरत है, रिस्पेक्ट चाहिए, क्योंकि आप दोगे तभी तो आपको वैसा मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, बच्चे बड़ों से सीखते हैं, बच्चे बड़े को जैसे देखेंगे करते हुए बच्चे ऑटोमेटिकली उस चीज़ को ग्रैस्प करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। साथ ही साथ बड़े बुजुर्गों के साथ बातचीत, ये बहुत ज़रूरी, और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, आज के पॉइंट में, आज के डेट में हम सब के लिए ज़रूरी है। आज के टाइम में क्या है, मदर है, फादर, सब वर्किंग वुमेन, वर्किंग पेरेंट्स बन चुके हैं, तो बच्चों को समझ नहीं पाते बच्चे किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनका मोरल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, उन किस संवेग से वो गुजर रहे हैं, किस फीलिंग से वो गुजर रहे हैं, ये चीज़ उनके पास टाइम ही नहीं कि ये सब चीज़ बैठ के बच्चों से कभी डिस्कस करें। तो क्या होता है, बच्चे इंटरनेट का सहारा ले रहे हैं या और भी चीज़ों का, तो कहीं ना कहीं वो लोग गलत रास्तों पे भटक सकते हैं, भटकाव हो सकता है उन सब चीज़ों में। तो यहाँ पे बड़े बुजुर्ग हो गए या पेरेंट्स हो गए बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह से उनको केयर की ज़रूरत है। और ये सिर्फ बच्चों में नहीं, सबसे बड़ा होता है जो किशोरावस्था, सेंसिटिव एज जो होता है, यहाँ पे बच्चे के बनने और बिगड़ने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें आती हैं। साथ ही साथ प्रॉपर हाइजीन, हाइजीन भी बच्चों को सिखाना चाहिए। सुबह उठ के ब्रश करना है, आपको अपना बेडशीट अरेंज करना है ना, अपने यूनिफॉर्म खुद से पहनना है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आती हैं। एक्सरसाइज के लिए सिखाना चाहिए। तो ये सब आपकी बातें केयर में आ गई। एंड नेक्स्ट वन इज एजुकेशन, शिक्षा। ये तो ऑब्वियस ही बात है। तो शिक्षा बच्चों को किस चीज़ का देंगे, आप उनके ज्ञान को बढ़ाएंगे, उनके नॉलेज गेन करने के लिए बताएंगे, उनको अलग अलग कौशल सिखाएंगे। ज़रूरी नहीं वहाँ पे बस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही पढ़ाया जाए, ये कहाँ तक काम देगा। आज के टाइम में हम लोग को कहीं पे भी ये काम देता है, या पाइथागोरस थ्योरम, कहीं पे भी ये सब चीज़ें आती हैं, नहीं आती हैं। तो उनको अलग अलग स्किल्स सिखाइए। हर बच्चों में कोई ना कोई हुनर होता ही होता है, कोई ना कोई स्किल्स लेकर ही वो होता है। ज़रूरत है उसको सही जगह पे पहचानना और सही डायरेक्शन में उस चीज़ को आगे लेकर बढ़ाना। और ये काम होता है एक टीचर का, एक पेरेंट्स का। तो बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो उन्हें जांचिए, उन्हें परखिए कि बच्चे कहाँ तक सीख रहे हैं, उनमें क्या क्वालिटीज़ है। कोई ना कोई गुण तो होगा, कोई पेंटिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं, कोई डांसिंग में अच्छे हो सकते हैं, कोई स्पोर्ट में अच्छे हो सकते हैं, है ना, कोई बहुत अच्छा बोल सकते हैं। तो उन चीज़ों को अगर सिखाया जाए, ऑब्वियस ही बात है, सही डायरेक्शन में, तो बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है? फिर उन्हें वैल्यूज सिखाइए, नैतिक चीज़ें क्या होती है, मोरल वैल्यूज़ के बारे में बताना चाहिए। और ये सब बेसिक स्कूल में सिखाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि कौन सी चीज़ें अच्छी, ऑनेस्टी अच्छी है, शेयरिंग अच्छी होती है, फ्रेंडशिप है तो फ्रेंडशिप कहाँ, अच्छे बुरे दोस्त कौन होते हैं, उनकी पहचान होनी चाहिए, गुड बैड टच के बारे में बताना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट वन इज एटीट्यूड, बच्चों का एटीट्यूड कैसा है। देखो एटीट्यूड क्या, कोई भी चीज़ में अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखें कि हम ये काम कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, वो काम ज़रूर करेंगे। कैरियर्स निकाल सकते हैं तो निकाल सकते हैं, ऑब्वियस ही बात है निकालेंगे, बट फर्स्ट डे से ही हम ढीले पड़ेंगे, यार निकला तो निकला, नहीं तो क्या ही होगा, नहीं होगा। हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना, ऑब्वियस ही बात है, हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे। क्लियर है? फिर हैबिट्स सिखाइए, अच्छे बुरी चीज़ें, नेल कट करके आना है, किस तरह से असेंबली होता है ना, ये सब चीज़ें बच्चों को सिखानी चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें बच्चे क्या होते हैं, बड़ों को देखकर भी सीख जाते हैं। जो मास्टर है, मतलब टीचर्स जो हैं, उनके ही नेल बहुत बड़े बड़े एकदम गंदे से हैं, बच्चे कहाँ से सीखेंगे। शैबी लुक में टीचर ही आ रहे हैं एकदम, मतलब जैसा तैसा, ना प्रॉपर आयरन है ना कुछ है, बस चले आ रहे हैं। तो ऐसे में बच्चे भी तो वही चीज़ें सीखेंगे। तो ये सब ड्यूटी होती है हमारे। क्लियर है? नेक्स्ट पर एजुकेशन, और आप क्या दोगे, एक सुरक्षित और सकारात्मक एनवायरनमेंट, जिसके बारे में भी हमने बात की, एक बहुत ही सेफ और पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना है। बच्चों की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनको अवसर देना है। अब ऐसा भी नहीं उन पर ज़बरदस्ती थोप दिया जाए, तुम 5 क्लास का बच्चा है, तुमको 10 क्लास तक चीज़ों को थोप दिया जाए, कहाँ से सीखेगा, बिल्कुल नहीं सीखेगा, वो प्रेशर में ही दब के रह जाएगा। उन्हें एकदम फ्री छोड़ दो, वो जहाँ तक खुद से सीख सके, बस एक प्रॉपर गाइडेंस दो, बस ये चीज़ें हैं। क्लियर है? फिर उनके कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाना, सप्रेशन, कैसे वो अपनी बात को प्रभावी ढंग से दूसरे तक पहुंचा सके, इसका एक स्किल होता है, ये भी एक बहुत ही, जिसको सॉफ्ट स्किल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ों बच्चों को सिखानी बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे होगा, इंट्रैक्शन, अंतःक्रिया के माध्यम से, हम उनसे बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, उनके साथ एक अपना अच्छा तालमेल बैठाएंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चे जो पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते, तो एज अ टीचर हमसे हो सकता है, हम अच्छे टीचर हो तो हमसे शेयर करते, तो उनको सही डायरेक्शन देंगे, सही गाइडेंस देंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें कैसे होगी, इंट्रैक्शन के थ्रू। फिर एक्सप्लोर के द्वारा, यानी खोज के द्वारा, बच्चे बहुत अच्छे अन्वेषक होते हैं, उन्हें खोजना बहुत पसंद होता है चीज़ों को,
आप उन्हें बस बता दो कि तुम ताजमहल पे कुछ बना कर लाओ या कुछ लिख कर लाओ या कोई प्रैक्टिकल दे दो, वो इतनी बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें बना देंगे जो कि हमें साइंस एक्सपेरिमेंट जो होती है स्कूल में होती है उसमें देखने को मिलता है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। तो वो सब क्या होता है, खोजने दिया जाए, ऑटोमेटिक बच्चों का कहीं ना कहीं वो एक्टिव माइंड हो जाएगा सॉरी, तो उससे चीज़ें जल्दी वो चीज़ें सीखते हैं। तो ये सब एजुकेशन का पार्ट है। फिर ऑब्जर्वेशन के द्वारा ऑब्जर्व करते चीज़ों को, छोटे छोटे बारीकियों को वो बच्चे पकड़ते हैं। टीचर, कोई कोई टीचर के बोलने का तरीका उन्हें अच्छा लगता है, वो उनको फॉलो करना चाहते हैं, है ना, कोई ना कोई को अपना आइडल मानते हैं। तो इस तरह से हम बच्चों को बहुत अच्छे वे में मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें पढ़ा सकते हैं। तो ये था आपका ECCE, जहाँ पे आपको अर्ली चाइल्डहुड में केयर एंड एजुकेशन की बात की गई है, और ये आपका NEP 2020 में आया। याद रखिएगा, ये एक नीति है, एक पॉलिसी है, जिसमें 0 से 8 यानी बर्थ से लेकर 8 साल तक के बच्चों के लिए बात की गई है, उनके देखभाल और उनकी शिक्षा पे बात की गई है। तो ये था आज का वीडियो, होपफुल बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स रहा हो या कोई ऐसे आपके कमेंट्स हो, कोई ऐसे क्यूरीज हो जो आपको पूछना हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट, या कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता दो, ठीक है। अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ वो भी देना कि मुझे कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।